This conference will now be recorded. Okay, so macro, I guess हमने अपने complete कर लिए थे. In fact, micro में भी. जी जी मैंने ही आपको यहाँ से म्यूट किया हुआ है. अगर आपने कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो बता दीजिए, वरना वो डिस्टॉर्शन बड़ी होती है आवाज़ की. तो इफ यू वांट टू टॉक और कंट्रीब्यूट बता दें, अदरवाइज म्यूट इसलिए करते हैं ताकि डिस्टॉर्शन ना हो आवाज़ की. ठीक है. अच्छा, माइक्रो में हमने कॉस्ट को डिस्कस कर लिया था. आई गेस प्राइसिंग के ऊपर बात हो गई थी, कंपैरेटिव प्राइसिंग पे, कॉस्ट पे बात हो गई थी. तो उसके बाद मेरा ख्याल है इलास्टिसिटी का एक टॉपिक है उसमें. अगेन वो भी आपने पहले डिस्कस किया हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे मेजर की जाती है. हाँ, ये रह गया था इनकम. ओके फाइन, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. अनदर माइक्रो इकोनॉमिक कंपोनेंट इज द इनकम ऑफ द कस्टमर्स. कस्टमर्स की के बाइंग पैटर्न को, कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को डिटरमिन करने वाला जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो कस्टमर्स की इनकम इनकम होती है. कस्टमर्स इनकम इज डिमांड शिफ्टर, आई गेस, है ना. इनकम जो है ये डिमांड शिफ्टर का रोल प्ले करता है ना. हायर द इनकम द पीपल वुड लाइक टू बाय मोर. ठीक है. और उनकी जो टेंडेंसी है टू पे हाई या टू पे मोर वो बढ़ जाएगी. तो जब इकोनॉमी एज अ होल ग्रो कर रही होती है तो उसके अंदर जब इनकम इंडिविजुअल लेवल पे बढ़ती है सो दैट एक्चुअली इंक्रीज इज द प्राइसेस, प्राइसेस विल राइज. तो इन्फ्लेशन जो है ये राइजिंग इनकम का एक आफ्टर इफेक्ट या इसका आपका मतलब एक बाय प्रोडक्ट हो सकता है. और फैक्टर जिनसे प्राइस अफेक्ट होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा ना. एक की प्राइस बढ़े तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाए. दे आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे पेप्सी एंड कोका कोला आर सब्स्टिट्यूट्स. पेप्सी विल रेज देयर प्राइस ऑफ देयर सॉफ्ट ड्रिंक, कोक की डिमांड बढ़ जाएगी. फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, एक की अगर प्राइस कम होगी तो प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड जो है वो गिर जाएगी. ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं. क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की एग्जाम्पल क्या है जी? पेट्रोल एंड कार प्राइसेस, बैट एंड बॉल प्राइसेस. ठीक है. फिर कंज्यूमर का जो टेस्ट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, जैसे फैशन इंडस्ट्री के अंदर. फिर एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज जो है, मार्केटिंग कैसे करती है कंपनी, किस किस्म की एक्टिविटीज में एंगेज होती है, पब्लिक रिलेशन कैपेसिटी में कैसे काम करती है, इस पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी प्राइसेस चार्ज करेंगे. तो प्राइस डिटरमिनिंग फैक्टर्स बहुत सारे हैं. इसमें इनकम भी आ जाती है, इसके अंदर कंपनी की एडवर्टाइजमेंट भी आ जाती है, उनकी मार्केटिंग कंपेन भी आ जाती है. डिफरेंट फैक्टर्स प्ले पिवोटल रोल इन डिटरमिनिंग द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज एंड द गुड्स. ये भी टॉपिक आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिक डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होती है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन प्राइस. अगर ये वैल्यू वन से ज़्यादा होगी तो इलास्टिक है, वन से कम होगी तो इन इलास्टिक है, एग्जैक्टली वन होगी तो यूनिटरी इलास्टिक है. नॉर्मली इलास्टिक डिमांड्स वाले गुड्स में जो कंपनीज ऑपरेट करती हैं दे हैव मोर लिबर्टी एंड मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू चार्ज हायर प्राइसेस. इलास्टिक डिमांड में प्राइसिंग डिसीजन आर वेरी क्रिटिकल. यू माइट हैव दिस कॉन्सेप्ट एज वेल कि इलास्टिक डिमांड के अंदर प्राइसिंग डिसीजंस बड़े मुश्किल होते हैं, बड़े क्रिटिकल होते हैं एज कम्पेयर टू इन इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे आप फ्लेक्सिबली प्राइस चार्ज कर सकते हैं विदाउट थिंकिंग ऑफ के डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा. बिकॉज शिफ्ट इन प्राइस विल अफेक्ट द डिमांड वेरी मिनिमली, बहुत कम डिमांड अफेक्ट होगी. एग्जाम्पल देखें ज़रा, आपने प्राइस 9 से 10 पे बढ़ाई है तो डिमांड 2000 से 1600 पे आ गई, और प्राइस 5 से 4 पे आई है तो डिमांड 8000 से 9000 पे चली गई है. सो दोनों केसेस में हमने बताना है कि बताएं 9 के ऊपर प्राइस जो है डिमांड इलास्टिक है या 5 के ऊपर इलास्टिक है. सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, परसेंटेज चेंज
400 है, ठीक है, और ये कितने परसेंट क्वांटिटी आपकी चेंज हो रही है, दैट इज लाइक 40%, आई गेस 20%, 20% चेंज हो रही है, और प्राइस कितने परसेंट बढ़ रही है, 9 से 10 पे 11.1% बढ़ रही है, तो 20 को 11.1 पे डिवाइड करें, हम इसकी मॉड वैल्यू देखते हैं ना, हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं, साइन हमें कंसर्न नहीं होता क्योंकि साइन सिर्फ डायरेक्शन शो करता है, ठीक है, सो दैट इज इलास्टिक एंड दैट इज इनइलास्टिक। 12.5% आपने प्राइस कम की है तो आपकी जो डिमांड है वो 20% बढ़ गई है, सॉरी डिमांड 12.5% बढ़ी है 20% प्राइस चेंज करके, ठीक, दैट इज इनइलास्टिक। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इसकी सिग्निफिकेंस है। देखिए माइक्रो की हद तक यू ओनली हैव कैलकुलेटेड के इलास्टिसिटी निकालते कैसे हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशंस जो है वो बिजनेस डिसीजंस में आप आगे समझते हैं। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन ओनली कैलकुलेशन व्हेन यू आर मेकिंग द डिसीजन। ये कैलकुलेशन तो आपके लिए कोई भी कर देगा, मशीनें कर देंगी, सॉफ्टवेयर्स कर देंगे, कंप्यूटर्स कर देंगे, आपके असिस्टेंट्स कर देंगे। यू आर मोर इंटरेस्टेड इन डिटर्मिनिंग दैट वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इलास्टिसिटी, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये रेवेन्यू पे कैसे अफेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर डिमांड हाईली इलास्टिक है तो अगर आप सेल प्राइस को बढ़ाते हैं दैट विल लीड टू फॉल इन टोटल सेल रेवेन्यू, और वो जो सेल रेवेन्यू आपका गिरेगा वो प्रोपोर्शनेटली काफ़ी हाई होगा, ठीक है। प्रॉफिट माइट इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन द सेल प्राइस इज चेंज, ये डिपेंड करता है कि आपका रेवेन्यू कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि प्राइस कम प्राइस बढ़ा के आपका रेवेन्यू जो है वो कम हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट पर यूनिट या ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ सकती है, या ये भी ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि प्राइस को गिरा के आप हमेशा रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़ेगा लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट वुड बी बेस्ड ऑन कि पर यूनिट आपको उसमें क्या मुनाफा मिलेगा। तो प्रॉफिट्स जो हैं दे माइट इंक्रीज, अभी हम इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं। तो व्हेन यू इंक्रीज द सेल प्राइस दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन टोटल सेल रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ सकता है आपका, कैसे बढ़ सकते हैं, हो सकता है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आपके कम हो, लेट्स अज्यूम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक सम एग्जांपल, ओके सो ओके जी, प्राइस नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड और रेवेन्यू, ठीक है, लेट्स से व्हेन प्राइस वाज 100 नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड वर आल्सो 100 एंड रेवेन्यू वाज 10,000, ठीक है, प्राइस आपने बढ़ा दी है 120 में, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड जो है ये आपके 90 पे आ गए हैं बट योर रेवेन्यू हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड, यू सी, तो इवन दो कि आप प्राइस बढ़ा रहे हैं लेकिन अगर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड में प्रोपोर्शनेट डिक्लाइन कम है, मतलब यू हैव इंक्रीज द प्राइस बाय 20% बट द डिमांड हैज डिक्रीज बाय ओनली 10%, इसका मतलब क्या होगा कि ये इनइलास्टिक डिमांड है, तो ये कंडीशन कहाँ फुलफिल होती है, इनइलास्टिक डिमांड में फुलफिल होती है, कि इनइलास्टिक डिमांड में प्राइस को बढ़ा के एक्चुअली आप अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं, इनइलास्टिक डिमांड के अंदर यू कैन एक्चुअली इंक्रीज योर रेवेन्यू बाय इंक्रीजिंग द प्राइसेस बिकॉज प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड विल बी लेसर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रोपोर्शनेट चेंज जो डिमांड का होगा वो प्राइस के प्रोपोर्शनेट चेंज से कम होगा। ओके एक और एग्जांपल लेते हैं, यू वर चार्जिंग 100 नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड वर 100 रेवेन्यू वाज 10,000, यू रेज द प्राइस अप टू 120 नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड फेल टू लेट्स से 50 एंड योर रेवेन्यू इज नाउ टोटल 6,000। अब देखें अब क्या हो रहा है, अब ये डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक, ये इलास्टिक है, प्राइस बढ़ाने से रेवेन्यू गिर गया, तो इनइलास्टिक डिमांड में ये खूबी होती है
कि इवन दो यू आर रेजिंग द प्राइसेस, लेकिन प्रोपोर्शनेट चेंज जो डिमांड का होगा वो बहुत मिनिमल होगा, बहुत कम होगा, एंड दैट विल एक्चुअली लीड टू द इंक्रीज रेवेन्यू. और यही पॉइंट आगे डिस्कस भी किया जाएगा अभी. सो रिड्यूसिंग द सेल प्राइस, इंक्रीजिंग द, ये हम बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी, ये दोनों पॉइंट्स. जब आप प्राइस बढ़ाते हैं तो टोटल रेवेन्यू आपका बढ़ जाता है, ठीक. व्हेन यू इंक्रीज द प्राइस द टोटल रेवेन्यू एक्चुअली गेट्स इंक्रीज, ठीक है. और जब आप प्राइस को कम करते हैं तो आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो गिर जाता है, क्योंकि उससे जो पर यूनिट चेंज है आपका डिमांड का, दैट इज नॉट प्रोपोर्शनेट, वो उसके प्रोपोर्शनेट नहीं होता, ठीक है. ओके, इन इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड में हमारी कंसिडरेशंस क्या होती है. अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो रेजिंग सेलिंग प्राइस विल हैव अ स्मॉल इफेक्ट ऑन डिमांड एंड रिजल्ट इन हायर सेल रेवेन्यू एज वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट. देयर विल बी अ स्मॉल रिडक्शन इन द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. ये भी मैंने एग्जांपल दिया आपको, यहाँ ड्रॉ करके दिखाई, इस टेबल की बात हो रही है बेसिकली यहाँ. सो टोटल कॉस्ट विल फॉल, ऑब्वियसली हायर रेवेन्यू एंड लोअर टोटल कॉस्ट विल मीन हायर प्रॉफिट्स, वेरी सिंपल. इसीलिए गवर्नमेंट अक्सर क्या करती है, रेवेन्यू इंक्रीज करती है बाय टैक्सिंग गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज दे बिलीव के डिमांड इन इलास्टिक है. टैक्स बढ़ा भी देंगे तो कस्टमर ने वो चीज़ परचेज करनी ही करनी, जैसे सिगरेट्स हैं या फ्यूल है फॉर एग्जांपल. अब सिगरेट्स आर एडिक्टिव, फ्यूल इज नेसेसरी, तो दोनों के लिए फिर जो प्राइस है वो इन इलास्टिक है, डिमांड इन इलास्टिक है. इसी तरह जब डिमांड आपकी इन इलास्टिक होती है तो सेल प्राइस गिरा के आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले सकते रेवेन्यू के अंदर. अच्छा, इलास्टिक डिमांड में देर इज द ऑपोजिट थिंग नॉर्मली. जी, वैसे इट्स नॉट नेसेसरी, लग्जरीज की डिमांड भी इनइलास्टिक हो सकती है, लग्जरीज की डिमांड भी इनइलास्टिक हो सकती है. इलास्टिक डिमांड के अंदर ये कंसिडरेशन नहीं होती कि गुड बेसिक नेसेसिटी है या गुड जो है वो लग्जरी है. देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है, दैट इज नॉट अ लग्जरी, लेकिन इनकी डिमांड हाईली इलास्टिक है, ठीक है. हाँ, परफ्यूम्स, दैट्स अ गुड एग्जाम्पल, ठीक है, दैट्स अ गुड एग्जाम्पल. इसकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है. सो अच्छा, इलास्टिसिटी के अंदर, इलास्टिक डिमांड के अंदर जब आप सेल प्राइस इंक्रीज करते हैं तो दैट विल लीड टू फॉल इन टोटल सेल्स रेवेन्यू, क्योंकि डिमांड गिरेगी और प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड है वो, ये दूसरा टेबल इसकी एग्जाम्पल है. आपने प्राइस बढ़ाई, डिमांड गिर गई, आप प्राइस कम करेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ठीक है. सो दैट इज द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट, ठीक है. सो ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं इनको पहले ये ऑब्जर्व करना होता है या मेजर करना होता है कि उनकी डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, एंड बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी और इनइलास्टिसिटी दे हैव टू सेट द प्राइसेस. व्हाटएवर प्राइसेस दे सेट, दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस फिनोमेनन, ठीक है ना. तो ये अगेन ये चीज़ें ऑलरेडी आपने, और वैसे भी जब डिमांड बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है तो आप प्राइस वॉर का हिस्सा बन जाते हैं, यू गेट इन टू अ प्राइस वॉर, एंड प्राइस वॉर इज समथिंग वेयर यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू अट्रैक्ट द कस्टमर बाई ऑफरिंग डिफरेंट ऑप्शन और डिफरेंट फीचर्स इन योर प्रोडक्ट, या डिफरेंट आप सेल प्रमोशन टैक्टिक्स यूज कर रहे होते हैं. सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है इसके अंदर, और ये चीज़ें ऑलरेडी आपने डिस्कस की हुई हैं पहले भी. सो हियर वी कंक्लूड योर इकोनॉमिक फैक्टर. कैस्टल का जो अगला मॉडल है या जो अगला फैक्टर है वो है सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर. डेमोग्राफी कहते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स को, जेंडर, एज, स्प्रेड, साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सारे सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं, हैबिट्स, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, ठीक है ना. सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स में कल्चर भी आ जाता है. कस्टमर के जो बाइंग पैटर्न्स हैं दे आर हाईली अफेक्टेड बाय देयर सोशियो डेमोग्राफिक स्टैंडिंग. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, और ये इंटरेस्टिंगली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड मार्केट के अंदर ये फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन फैक्टर्स पे तवज्जो करना, इन फैक्टर्स को अप्रोप्रिएटली मैनेज करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर आप डेमोग्राफीज को स्टडी नहीं करेंगे तो यू माइट एंड अप ऑफरिंग रॉन्ग प्रोडक्ट फॉर द रॉन्ग कस्टमर. मैकडोनल्ड्स अगर इंडिया जाके बीफ बेचना शुरू कर दे तो वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो मखला उनके सारे आउटलेट्स को आग लगा देंगे, ठीक है, बिकॉज दे माइट एंड अप सेलिंग रॉन्ग प्रोडक्ट टू द रॉन्ग कस्टमर. पाकिस्तान में अगर मैकडोनल्ड पोक बेचना शुरू कर देगा
तो यहाँ के एक्सट्रीमिस्ट जो है वो उसे जला देंगे. यू सी, सो यू हैव टू ऑफर द राइट प्रोडक्ट टू द राइट कस्टमर एट द राइट टाइम. ये आपने सुना ना, 5 आवर्स होते हैं ना, ये होता है 5 आवर्स. राइट प्रोडक्ट टू द राइट कस्टमर एट द राइट टाइम एट द राइट प्राइस, ठीक है, थ्रू द राइट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. 5 आवर्स होते हैं. तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर फिर हम डेमोग्राफिक चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं, दैट हाउ द डेमोग्राफिक्स ऑफ द कस्टमर्स आर चेंजिंग. क्योंकि जब डेमोग्राफिक्स चेंज होती हैं तो बाइंग प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं, बाइंग पैटर्न चेंज होते हैं. 8 से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले प्रोसेस्ड मीट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ना. ये नगेट्स और ये जो भी आप प्रोसेस्ड चिकन घर में इस्तेमाल करते हैं, रेडी टू कुक एंड रेडी टू ईट, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था पहले ना. देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ दैट. फिर वक्त के साथ साथ जब डेमोग्राफिक्स चेंज हुई, जब लिविंग स्टैंडर्ड्स और लाइफ स्टाइल्स चेंज हुए, तो ऑर्गेनाइजेशन ने रियलाइज किया कि अब लोगों को ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो इंस्टेंट हो, ठीक है, जो रेडी टू कुक हो, जो उनकी इंस्टेंट नीड्स को पूरा कर सके. याद है जब ये नए नए मैगी नूडल्स आए थे, तो वो कितना उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया था, 2 मिनट्स नूडल्स के ऊपर. दे एक्चुअली यूज टू प्रमोट देयर ब्रांड एट समथिंग विच यू कैन कुक इन 2 मिनट्स. तो इट वॉज रियली एन इनोवेशन कि अच्छा कोई ऐसी चीज भी है जो 2 मिनट में पक सकती है. इज देयर समथिंग विच कैन बी कुक्ड इन रियली इन 2 मिनट्स. दैट वॉज एन इनोवेशन, ये एक इनोवेशन थी. दैट वॉज समथिंग विच वॉज लॉन्च टू टारगेट द सोशियो डेमोग्राफिक चेंजेस इन द सोसाइटी. कि वो कस्टमर की नीड्स चेंज हो रही थी, कस्टमर्स को अब आपको ऐसे प्रोडक्ट देने थे जो कि इंस्टेंट हों. तो ये इंस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये डेमोग्राफिक चेंजेस से पैदा होता है. और यहाँ पे फिर आप फिर डिफरेंट किस्म की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज करते हैं, अपने आप को अप टू डेट रखते हैं आप कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग के साथ, कस्टमर की नीड्स के साथ, उसकी रिक्वायरमेंट्स के साथ, एंड यू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. आप अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड भी करते हैं, ठीक है. सोशियो डेमोग्राफिक चेंजेस के अंदर किस किस्म के चेंजेस होते हैं, उसमें से हम एक चेंज को थोड़ी डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज पॉपुलेशन एजिंग. जब किसी इकोनॉमी में पॉपुलेशन एजिंग होती है, इसका मतलब है कि जब किसी इकोनॉमी के अंदर बूढ़े लोग ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, फिर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं, ठीक है ना. डेमोग्राफिक्स में मतलब जस्ट फॉर इंस्टेंस, ये एग्जाम्पल सिर्फ देखने के लिए है, हाउ डू पीपल ट्रेवल, वट आर देयर लेजर एक्टिविटीज, हाउ डू पीपल आर मोर नाउ कंसर्न अबाउट देयर यू नो वेल बींग, हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ गई है, एवरेज एज बढ़ती जा रही है लेट्स से, या कम होती जा रही है, पाकिस्तान में तो खैर कम हो रही है, ठीक है, और एवरेज एज जिसके ऊपर बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, ये भी शायद कम होती जा रही है, या शायद बढ़ती जा रही है. नाउ इट्स 25 और 30 ईयर्स, अर्लियर इट वॉज मच हायर. सो ऑल ऑफ दीज आर द डेमोग्राफिक चेंजेस. इसी तरह सिंगल पेरेंट्स फॉर एग्जाम्पल. तो ये सारे के सारे डेमोग्राफिक चेंजेस जो हैं, ये फिर इन्फ्लुएंस करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि वो इनकी नीड के मुताबिक प्रोडक्ट्स को ऑफर करें. एक सबसे जो क्रिटिकल डेमोग्राफिक चेंज आपकी बुक डिस्कस करती है, वो है पॉपुलेशन एजिंग का. वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, दे हैव एक्चुअली फेस्ड दिस प्रॉब्लम ऑफ एजिंग ऑफ देयर इंडिजिनस पॉपुलेशन. यानी वहाँ पे जो एक्चुअली जो ब्रेन्स हैं वो बूढ़े होते जा रहे हैं. लेकिन पॉपुलेशन एजिंग होती है 2 सूरतों में. बर्थ रेट बहुत लो होता है, यानी पर वेमेन न्यू बेबीज बॉर्न पर वेमेन बहुत कम होता है. और चूंकि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर सेहत की सहूलतें अच्छी होती हैं, हॉस्पिटल होते हैं, तो लोग नेचुरल मोर्टेलिटी रेट हाई होता है, लोग तबाही मौत मरते हैं, लोग बीमारियों से, हादसों से, एक्सीडेंट से कम मरते हैं. तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि फिर ओवरऑल पॉपुलेशन एजिंग स्टार्ट हो जाती, लाइक किड्स आर नॉट बीइंग बॉर्न, और उधर पीपल आर नाउ यू नो गेटिंग एक्सपायर्ड एट देयर यू नो द पीक ऑफ देयर एज, 80 ईयर्स 90 ईयर्स. तो आहिस्ता 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 फिर एवरेज पॉपुलेशन एज बढ़नी शुरू हो जाती. जैसे फॉर एग्जाम्पल इस वक्त कैनेडा में एवरेज जो एज है दैट इज लाइक 70 ईयर्स नाउ, ठीक है. पाकिस्तान में एवरेज एज जो है वो 50 ईयर्स पे आ चुकी है. पाकिस्तानी पॉपुलेशन का 52% इस वक्त 25 ईयर से कम है.
25 साल, और ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है किसी मुल्क की, क्योंकि आपकी वर्क फोर्स में मेजर कंट्रीब्यूशन यूथ का होता है, ठीक है ना? तो पॉपुलेशन जब एजिंग होती है, या व्हेन एवर पॉपुलेशन एजिंग अकर्स, तो फिर क्या होता है कि जो ब्रेन्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े हो रहे हैं, एक्सपायर हो रहे हैं, और जो यूथ है वो भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो आके टेक ओवर कर सके, वो आके जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको आके टेक ओवर कर सके। तो फिर एक कॉन्सेप्ट पैदा होता है जिसे कहते हैं डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब। डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब पैदा हो जाता है। एजिंग पॉपुलेशन कंट्रीज जैसे यूके है, इटली है, फ्रांस है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अब प्रिवेल कर चुका है डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब का। लाइक यूथ हैज नाउ रिफ्यूज टू टेक द इकोनॉमिक बर्डन। यूथ जो है, इसने, यंगर जनरेशन ने रिफ्यूज कर दिया है इकोनॉमिक बर्डन को लेने से जो गवर्नमेंट पे इम्पोज करती है। तो जब गवर्नमेंट अवेयर होती है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेमोग्राफिक चेंजेस, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट फिर फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट एज बढ़ा देती है, गवर्नमेंट लोगों को टैक्स इंसेंटिव ज्यादा देती है टू एनकरेज देम टू कीप ऑन वर्किंग इवन बियॉन्ड द एज ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है? सो डिफरेंट वेज में, ये डिफरेंट जो डेमोग्राफिक वेज हैं, इसमें गवर्नमेंट डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज के थ्रू, डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज के थ्रू ये इंश्योर करती है कि फिर एजिंग पॉपुलेशन जो है दैट मस्ट नॉट अफेक्ट द वे द इकोनॉमी ऑपरेट्स। जैसे दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में देखें एंटायरली ऑपोजिट है, बर्थ रेट बहुत हाई है, एवरेज चिल्ड्रन बॉर्न पर वेमेन इज वेरी हाई, और ऑन द अदर हैंड चूंकि वी आर एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, हॉस्पिटल नहीं है इस तरह से, या सहूलतें नहीं है सेहत की, तो नेचुरल मोर्टेलिटी रेट कम है, लोग तबई मौत कम मरते हैं पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, और हादसों से और बीमारियों से लोग ज़्यादा मरते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता एवरेज एज कम होती जा रही है, विच इज़ लाइक लेस देन 50 ईयर्स। तो जब इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है, जब चाइल्ड बर्थ रेट जो है वो हाई होता है, ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ लो होती है, जैसे ये एग्जैक्ट पाकिस्तानी सिचुएशन है, फिर आप लोग क्या करते हैं, फिर लोग जो है वो इमिग्रेशन की तरफ भागते हैं, देन पीपल गो टू इमिग्रेशन, देन पीपल गो टू माइग्रेट टू द वेल्दियर कंट्रीज। यू सी, जिन कंट्रीज में एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, व्हाट गवर्नमेंट कैन डू, गवर्नमेंट क्या कर सकती है वहां पे, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी से फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज करती है जिससे उनकी इकोनॉमी चलती रहे, इवन दो कि वहाँ पॉपुलेशन एजिंग है। आपको पता है जापान जो है, दे एक्चुअली पे टैक्स इंसेंटिव, टैक्स बेनिफिट टू द फैमिलीज हु हैव बेबीज। जापान में एक्चुअली पॉपुलेशन नेगेटिव में चली गई है, मतलब लाइक वहाँ पे नाउ दिन ब दिन आबादी कम हो रही है, लेकिन पाकिस्तान आबादी बढ़ रही है ना खैर से, मतलब इन जापान द पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग नाउ, सो दे आर एक्चुअली गिविंग टैक्स बेनिफिट एंड टैक्स इंसेंटिव टू दोज फैमिली दोज हु हैव किड्स। अच्छा, चाइना में इंटायरली ऑपोजिट है। चाइना में अगर किसी एक फैमिली में मोर देन 2 किड्स हैं, दे फाइन देन, उनको वो फाइन कर देते हैं। यू सी, तो कंट्रीज के अंदर भी ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि गवर्नमेंट किस तरह से डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू ये इंश्योर करती है कि वहाँ पे पॉपुलेशन एडिक्वेट है, और क्या वो वर्क फोर्स में कन्वर्ट हो सकती है। तो गवर्नमेंट अपने एंड पे क्या करती है, तो गवर्नमेंट इमिग्रेशन अलाउ कर देती है, लेट पीपल कम एंड ऑपरेट इन देयर कंट्री। गवर्नमेंट क्या करती है, एवरेज एज ऑफ रिटायरमेंट बढ़ा देती है, गवर्नमेंट इनकरेज करती है इंडिविजुअल को कि दे शुड कीप ऑन वर्किंग बियॉन्ड देयर नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, टैक्स इंसेंटिव देती है इंडिविजुअल्स को, कपल्स को जिनके पास बच्चे होते हैं, ठीक है? तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर हाईली अफेक्टेड बाय द सोशल एंड डेमोग्राफिक चेंजेस एंड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी। जैसे अगर मैकडॉनल्ड पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा था, दे शुड नो कि यहाँ पर रिटायरमेंट एज क्या है, दे शुड नो कि यहाँ पर टैक्स इंसेंटिव क्या है जो फैमिलीज को मिलते हैं, इसी तरह दे शुड नो कि यहाँ पे कस्टमर की रिस्पेक्टिव नीड्स क्या है, उनकी डिमांड्स क्या है, एंड हाउ दोज नीड्स एंड डिमांड्स मस्ट बी रिस्पॉन्डेड। फिर नेचर ऑफ वर्क फोर्स जो होती है आपकी, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फिनोमिना। अवेलेबल स्किल्स, ये सब कुछ कहाँ से आता है, डेमोग्राफिक चेंजेस से आता है ना, आपकी वर्क फोर्स है या आपके जो भी इम्प्लॉयज हैं, ये सब कुछ कहाँ से आता है, ये आपका डेमोग्राफिक चेंजेस से पैदा होता है। तो इफ़ यू आर एक्चुअली विलिंग टू ऑपरेट इन अ सर्टन इकॉनमी, यू शुड बी देन लुकिंग फॉरवर्ड टू कि वो इकॉनमी में काम कैसे होता है, वहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं, हाउ डू पीपल ऑपरेट।
सोशो डेमोग्राफिक फैक्टर्स वहाँ कैसे होते हैं। सोशो डेमोग्राफिक फैक्टर्स में आपकी ये जो जो आपका टॉपिक है ये मेनली पॉपुलेशन एजिंग को प्रीडोमिनेंटली डिस्कस करता है। अदरवाइज सोशो डेमोग्राफिक फैक्टर्स में देर आर अदर फैक्टर्स एज वेल, और फैक्टर्स भी होते हैं। उसमें जेंडर है, जेंडर बैलेंस है, उसमें एज है, उसमें एजुकेशन है, इनकम लेवल है। सो अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशो डेमोग्राफिक फैक्टर, कल्चर है आपका। बट योर टॉपिक टॉक्स मेनली अबाउट द डेमोग्राफिक चेंजेस इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एजिंग, क्योंकि अगेन आपका जो सिस्टम है दैट इज एक्चुअली अपना ब्रिटिश सिस्टम है आपका, तो उसके अंदर चूंकि मतलब ये आपकी जो एजुकेशन का बुक है तो उसमें उन्होंने फिर वही इशूज रेज कर रहे हैं ना जो ऑलरेडी वो लोग खुद फेस कर रहे हैं। अगर ये किताब कहीं पाकिस्तान में लिखी गई होती तो यहाँ पे फिर और इशूज रेज हो रहे होते, शायद पॉपुलेशन एजिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशूज रेज हो रहे होते। बट जस्ट बिकॉज द ऑथर्स आर फ्रॉम यूके, पब्लिशर्स आर फ्रॉम यूके, इसलिए वो उन इशूज को रेज कर रहे हैं जो वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, सो दैट कम्स दैट ब्रिंग अस टू एन एंड ऑफ डेमोग्राफिक फैक्टर्स, सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स। अभी तक हमने पेस्टल के चार बल्कि हाँ चार पढ़ ली हैं, पॉलिटिकल एंड लीगल, इकोनॉमिकल एंड सोशल। टू वी आर लेफ्ट विद ओनली टू, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल। टेक्नोलॉजिकल की थोड़ी सी बहस स्टार्ट कर लेते हैं, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इनफैक्ट एग्जामिनेशन में से इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी अपेयर हो चुका है आपको। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में आगे जाके आएगा वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन या वर्चुअल कंपनी, तो वर्चुअल कंपनी के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। टेक्नोलॉजी बिजनेसेस को तीन तरह से इंपैक्ट करती है, रिमेंबर दैट। टेक्नोलॉजी आपके वर्किंग मेथड्स चेंज करती है, टेक्नोलॉजी आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को अपडेट करती है, और टेक्नोलॉजी आपके स्ट्रक्चर और स्ट्रेटजी को चेंज करती है। बिजनेसेस जब भी टेक्नोलॉजी को एनकाउंटर करेंगे या उसे जब भी एम्ब्रेस करेंगे तो टेक्नोलॉजी विल ब्रिंग अबाउट थ्री चेंजेस। नंबर वन, टेक्नोलॉजी वुड चेंज द वे यू डू थिंग्स, योर वर्किंग मेथड्स। टेक्नोलॉजी वुड चेंज द वे यू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, व्हाट यू प्रोड्यूस। एंड टेक्नोलॉजी विल चेंज योर स्ट्रक्चर एंड योर स्ट्रेटजी, हाउ यू ऑपरेट। तीन चेंजेस होते हैं, इसमें सबसे जो क्रिटिकल चेंज है वो ये वाला है, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी वाला, जो ज़्यादा डिटेल में हम इस पर बात करेंगे। आज हम स्पीडली इन दो पे बात कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी आपके वर्किंग मेथड्स को चेंज करती है। वर्किंग मेथड से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल, पहले मैनुअल काम होता था, नाउ यू हैव रिप्लेस्ड द पीपल विद कंप्यूटर्स। ठीक है, अब हाई लेवल इंटेलेक्चुअल टास्क भी हम कंप्यूटर से लेते हैं, जिसमें हम फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा माइनिंग है, फिर आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट आया हुआ है बिग डेटा का, बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा पे आएगा आपका एक टॉपिक आईटी में जाकर ना, थोड़ा सा एक क्वेश्चन आएगा बिग डेटा का। बिग डेटा क्या होता है? हाउ कंप्यूटर्स आर नाउ टेकिंग ओवर ह्यूमंस फॉर हाई लेवल इंटेलेक्चुअल टास्क। कंप्यूटर्स पे पहले आप सिर्फ डेटा स्टोर करते थे, अब कंप्यूटर्स आपके लिए डेटा प्रोसेस करके उसका एनालिसिस भी करते हैं। तो कंप्यूटर से वर्किंग मेथड्स चेंज हो रहे हैं, वे ऑफ डूइंग थिंग्स चेंज हो रहे हैं। द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ऑर्गेनाइजेशन इज हाउ द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द वे दे वर्क, हाउ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द वे दे ऑपरेट। टेक्नोलॉजी से आपके गुड्स एंड सर्विसेज भी चेंज होती है, आपकी आउटपुट चेंज होती है, वट एवर यू प्रोड्यूस। मतलब जस्ट लुक एट लाइक दिस मोबाइल टेक्नोलॉजी की एग्जाम्पल ले लें। टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आप देखें स्मार्टफोन के नए नए कॉन्सेप्ट आते जा रहे हैं, नई नई डिवाइसेस पैदा होती जा रही हैं। तो टेक्नोलॉजी से आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी चेंज होती हैं। हाउ डू यू प्रोड्यूस एंड व्हाट डू यू प्रोड्यूस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई टेक्नोलॉजी। टेलीविजन की मिसाल ले लें, पहले देर वर ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन, फिर कलर टेलीविजन का दौर आया लाइक सोनी एंड तोशिबा, उसके बाद फिर दौर आया इसका एलसीडी का, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का। अब दौर आ चुका, फिर आया था दौर एक फ्लैट स्क्रीन का दौर आया था। अब आप देखें टीवी हमारे घर में एलईडी है सारे के सारे, नाउ वी हैव ऑल एलईडी इंस्टॉल्ड। दैट इज हाउ द टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव्ड। गाड़ियों के मॉडल्स देख लें, एवरी न्यू मॉडल इज एन इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ द प्रीवियस वन। हर गाड़ी का नया आने वाला मॉडल पिछले मॉडल की एक बेहतर आप समझ लें उसमें उसकी डेवलपमेंट होती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में जो चेंज लेके आते हैं उन्हें हम इनोवेशन कहते हैं मेनली। मतलब इनोवेशन की और बहुत सारी शेप्स होती हैं, बट वन ऑफ द टाइप ऑफ इनोवेशन इज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी। वैसे तो इनोवेशन एक बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन टेक्नोलॉजी
Technology can be one of the backbone, one of the important contributors toward innovation. So ये एक important phenomenon इसमें आ रहा है। यहाँ तो clear? Any questions so far? Okay, great. Good. इसके बाद अच्छा मैं चाह रहा था एक टेस्ट भी तुम लोगों को थोड़ा स्केड्यूल कर दिया जाए, तो वो मैं टॉपिक फिर ना व्हाट्सएप पे अनाउंस करूंगा नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह, फिर एक आधा ना अगर टेस्ट प्लान करेंगे. नाउ इट्स लाइक क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, सो वी शुड हैव वन टेस्ट. ठीक है, मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे ना फिर कोई डेट अनाउंस करूंगा नेक्स्ट वीक में किसी दिन, प्रॉबेबली मिड ऑफ द वीक, तो उस पर हम इंशाल्लाह फिर एक टेस्ट अपना स्केड्यूल कर लेंगे. टेक्नोलॉजी में आने वाले चेंजेस आपके स्ट्रक्चर और स्ट्रेटजी को कैसे चेंज करते हैं इस पर डिबेट करेंगे, और इसके बाद आएंगे इकोलॉजिकल फैक्टर्स. तो प्रॉबेबली इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट सेशन में हम अपना ये पेस्टल का मॉडल कंप्लीट कर लेंगे. एज सून एज वील बी डन विद द पेस्टल, फिर हम कंपेटिटिव फोर्सेस पे जाके बहस करेंगे. इसमें चार मॉडल हैं, सॉट एनालिसिस, माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटजी, वैल्यू चेन और फाइव फोर्सेस. और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों मॉडल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इन चार में से एक मॉडल एटलीस्ट वंस हर पेपर में आता है. नॉर्मली इन एवरी एग्जामिनेशन कम से कम एक मॉडल इन चारों में से लाजमी आता है. सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पोर्शन टू डिस्कस एंड अंडरस्टैंड. ओके, ग्रेट. क्वेश्चन सो फार, कोई सवाल? तो आई बिलीव दैट नाउ यू शुड स्टार्ट वर्किंग हार्ड, मेहनत करनी शुरू कर दें, बिकॉज नाउ यू आर इन टू योर फुल स्विंग ऑफ योर प्रिपरेशन. टाइम इज वेरी रनिंग आउट, वक्त दौड़ रहा है. तो इस सेशन को ऑर्गेनाइज करने का, ये तमाम चीज़ें, सारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने का मकसद ही है कि आपको मेहनत से पास करवाए जाए. तो वट एवर nightmares you had already, just forget about it. उन nightmares को भूल जाए आप, and work harder to achieve the next benchmark or next milestone. ठीक है, and hope for the best. Obviously one should hope for the best. ठीक है, फिर इंशाल्लाह see you कल हम वहाँ इंशाल्लाह. ठीक करते हैं, ठीक है. ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज. थैंक यू, अल्लाह हाफिज. जी जी बेटा, इनफ फॉर नाउ, एग्जैक्टली इनफ फॉर नाउ, काफ़ी आज के लिए.